हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको जी सेटअप बहुत ज़्यादा मान लीजिए फेमस है या बहुत चलन में है, बहुत यूज करते हैं, तो हम इसे कैसे हम कस्टम तैयार कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बहुत ही इजी वे रहेगा, मतलब कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बहुत ही इजी स्टाइल में, इजी वे में आपको बताया जाएगा कि ये कैसे क्रिएट करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे 20 पैनल विड्थ में और 6 पैनल हाइट में इसका एक ग्रिड बनाया है, और ये ग्रिड आप लोग भी बना सकते हो। मैंने बताया वीडियोस में कि ये ग्रिड को कैसे तैयार किया जाता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसे कंट्रोल जेड से जूम कीजिए, हमें ये डॉट्स नज़र आ जाने चाहिए, बिकॉज हमने जो वीडियो में या जो लाइनिंग बनानी है वो प्रॉपर हमारे पैनल से इधर उधर नहीं जाने चाहिए, इसलिए हमें इसे जूम करके बिल्कुल निशान में। देन उसके बाद हम लोग आते हैं पेन टूल में। पेन टूल से हम लोग यहाँ क्लिक किया, उसके बाद 2 पैनल पे बिल्कुल कॉर्नर पे हमने जितनी जगह यहाँ छोड़ी है उतनी ही जगह हमने दूसरी साइड में भी छोड़नी है, तो आप अंदाजा से कर सकते हो, इसलिए मैंने इसे जूम किया। और अगर आप चाहो तो आप रूलर भी यूज कर सकते हो। देन ये तो यहाँ, और हमने उस यहाँ जितनी स्पेस उस साइड में छोड़ा उतना ही स्पेस हम लोग यहाँ भी छोड़ रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ से हमारा विड्थ बढ़ाना है, हम कितना विड्थ चाहते हैं, तो अबाउट 11, ठीक है, तो इसे हम एंटर करते हैं। उसके बाद इसे जूम आउट कर देते हैं माइनस में। तो हमारा कुछ इस तरह से हमें इमेज बन गई है। उसके बाद हमें इसकी इस लाइंस की कॉपीज लेनी है। कॉपीज कैसे ले सकते हैं, या इसे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल डी, या हम ये शेप को यहाँ से इस प्लस वाले आइकॉन में ड्रैग करते हैं, तो इसकी एक कॉपीज बन गई है। कॉपीज बन गई है, तो इस कॉपीज को हम लोग नीचे ले आते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो इसकी कॉपीज को हम लोग नीचे ले आते हैं। देन उसके बाद फिर हम इसकी एक कॉपीज और बनाते हैं, तो इसे नीचे ले आते हैं। उसके बाद इसकी फिर एक कॉपीज बनाइए और इसे नीचे ले आइए। देन उसके बाद इसकी एक कॉपीज और बनाइए और इसे भी आप नीचे ले आइए। आप चाहते हैं कि आप जितनी लाइंस क्रिएट करना चाहें उतनी कर सकते हैं। आई थिंक, और इसमें गैप देना चाहें तो आप गैप दे सकते हैं प्रॉपर। एक ही क्लियर को आप सेलेक्ट कीजिए और इसमें तो ये हमारा ऊपर का एक सिंगल पैनल में जो हम लोग एक सिंगल पैनल में जितनी लाइंस बनती है उतनी लाइंस बन गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फिर इसमें आना है। पेन टूल कीजिए एंड यहाँ पे क्लिक कीजिए। देन उसके बाद सबसे नीचे, तो
जो इसकी विड्थ है हमने इससे थोड़ा ज़्यादा रखनी है, तो इसमें हम लोग विड्थ बढ़ा सकते हैं जैसे दैट्स ऑल। अभी एंटर। अब चाहे तो इसे ही कॉपी करके, जो ये हमने ये वाली इमेज है, ये वाली शेप बनी है, इसे ही कॉपी करके आप उस साइड में रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो एक काम कीजिए, इसे क्लिक कीजिए एंड तो ये आपका सेम देन एंटर कीजिए तो आपका ये दोनों का सेम बन गया है। गुड ओके। अभी डायरेक्ट इसके बाद क्या करना है, सिंपल इसमें जूम करके आपको ही करना पड़ेगा। आप इसमें एक पैनल छोड़ दिया, एक पैनल छोड़ने के बाद हमारा हम लोग यहां से क्लिक करते हैं 1, 2 एंड 3, क्योंकि हमारे तीन पैनल ट्रस से जो नीचे आ रहे हैं। ये मैं जूम करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज ये देखिए आप जो ये सेंटर की लाइन होती है इसमें से हाफ में हाफ लाइन सेलेक्ट करनी है। उसका रीजन ये है बिकॉज आपने ये जो दूसरा है वो दूसरा पैनल है, इसका हाफ दूसरा पैनल है और ये इसका हाफ लेफ्ट साइड का दूसरा पैनल है और राइट साइड का दूसरा पैनल है, तो इसलिए हमें हाफ ही करना है। अगर हम इसे फुल लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ये लाइनिंग है ये दूसरे पैनल पे चली जाएगी। इसे सिंपल एंटर करना है। ये देखिए ये हमारी लाइनिंग बन गई है। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए और यहीं पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर दीजिए, तो वी करने के बाद आपकी ये लाइनिंग यहाँ आ जाएगी। देन उसके बाद फिर कंट्रोल वी कीजिए, इसकी एक और कॉपीज बनाइए, फिर आपकी लाइनिंग यहाँ आ जाएगी। आप इसमें कितना गैप देना चाहते हैं, आप कितनी लाइंस बनाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कंट्रोल वी कीजिए और ये आपकी लाइन यहाँ आ जाएगी। एरो से आप इसे इसकी विड्थ हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये तो आपका ये हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने इस इन चारों को आपने सेलेक्ट करना है। कंट्रोल सी और आपने इन्हें यहाँ ड्रैग करना है कंट्रोल वी। बट ये तो इनका फेस दूसरी साइड है तो इसके लिए सिंपल आपने कंट्रोल टी टाइप करना है। कंट्रोल टी टाइप करने के बाद इसे हॉरिजॉन्टल पे कर देना है। देन आपका अभी इसे सेटिंग करने के लिए आपको फिर जूम करना पड़ेगा। बिकॉज आपने उसका हाफ पार्ट लेना है और आपने ये कहाँ से शुरू करना है, आपने एक पैनल छोड़ना है, एक पैनल छोड़ना है तो इसका
एंटर। देखिए जो लेयर हमारी लेफ्ट में बननी चाहिए वही हमारी राइट में बन गई है। अगर हम सिंगल सिंगल पैनल बनाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन इसमें फ़र्क नहीं आएगा। अब आप लोग जिस लेयर को सिलेक्ट करना चाहो यहाँ से भी कर सकते हैं, आप जो भी लेयर सेलेक्ट करोगे वहाँ सेलेक्ट हो जाएगी, इसकी कॉपीज बना सकते हैं। तो ये हुआ। अभी इसके बाद हमने कुछ और करना है, जैसे अभी इसके बाद फिर हमें इसकी लाइंस बनानी हैं। तो इसकी लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक लाइन बन गई ठीक। अभी इसे आप चाहें तो इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, लाइक आप जो भी चाहें। देन एंटर। उसके बाद इसकी आप कॉपीज बनाएं, इसकी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी वी करके आप इसकी कॉपीज बना सकते हैं, फिर कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी आप जितनी कॉपीज बनाए जाएं एक बार। और बनाना चाहें तो और बना सकते हैं। कंट्रोल पी। अभी ये इमेज आपके सामने बहुत छोटी हो जाएगी तो इसे कंट्रोल टी कीजिए। टी करने के बाद शिफ्ट प्रेस करिए, शिफ्ट प्रेस करने के बाद इसे थोड़ा लंबा खींच लीजिए एंड देन एंटर। अभी आप इस इमेज को कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल सी। एंड कंट्रोल ई कंट्रोल वी। आप जितने चाहें ये बना सकते हैं। देन उसके बाद आपने वही करना है, इन सबको सॉरी इन सबको कॉपी करना है, लेकिन कैसे कि कोई दूसरी लेयर्स आपसे सेलेक्ट ना हो, या सिंगल सिंगल लेयर को भी आप कॉपी कर सकते हैं। शिफ्ट प्रेस किया उसके बाद दो तीन कंट्रोल सी, देन उसके बाद आपने यहाँ पेस्ट करना है कंट्रोल वी। देन इसमें भी वही है कि बड़ी लेयर इस साइड में और छोटी साइड में, तो आप कंट्रोल टी कीजिए। कंट्रोल टी करने के बाद इसे देन इसको आप प्रेस कर सकते हैं, यहाँ प्रेसिंग देन एंटर। उसके बाद अगर किसी लेयर में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हम लोग उसे मैनुअली
सेट कर सकते हैं। सिंपली क्लिक कीजिए और एरो से ऊपर नीचे कीजिए इसे। दैट्स फाइन। जब आप प्रिंट बनाएंगे तो इसमें कोई भी आप साइज ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने ये सेटअप कितने साइज में लगाया है। दैट्स ऑल। देन ये आपका हो गया। उसके बाद आपका कुछ सेंटर में आ जाता है कि हमने सेंटर स्क्रीन्स कैसे लगानी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने सिंपल रेक्टेंगल लेना है और कंट्रोल इसमें भी आपको करना पड़ेगा। आप इसमें कितना उसका वेट रखना चाहते हो तो रख सकते हो। दैट्स गुड। ये बना सकते हैं। उसके बाद इसे इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं कि प्रॉपर बना है या नहीं। ये प्रॉपर बन गया, लेकिन इसके इमेज दूसरे के ऊपर तो हमें हाफ में रखना है। देन उसके बाद हमें शिफ्ट प्रेस करना है एंड इसे भी हमें हाफ में लेके आना है। देन उसके बाद आप लेफ्ट साइड से देखिए एंड ऑल्सो सी राइट साइड। तो शिफ्ट प्रेस कीजिए, इसे भी आप हाफ तक लेके आएंगे। देन अभी नीचे की साइड में देखिए, नीचे भी आपको इस, अगर आपने कंसोल के लिए पैनल छोड़ना है तो अलग बात है, नहीं छोड़ना तो आप अगर आपने नहीं छोड़ना पैनल तो आप इसे नीचे तक भी ला सकते हैं। तो ये हमारा कुछ हिस्सा ऐसे बन गया है। इस तरह से बन गया। तो हम लोग साइड में एक एक पैनल ब्लैंक भी छोड़ा है, ये तीन पैनल्स का बना है और ये हमारे सेंटर स्क्रीन बन गया है। अगर हमने इस एक नीचे के एक पैनल को छोड़ना है तो कंसोल के लिए छोड़ सकते हैं, उसमें हम कंसोल बना सकते हैं। अगर नहीं छोड़ना तो सेंटर में आप फुल स्क्रीन भी बना सकते हैं। अभी इसके बाद क्या आता है, लास्ट में बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप ब्लैंक कीजिए, उसके बाद यहाँ से आप एक न्यू लेयर लीजिए, ब्लैंक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कीजिए एंड न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद आपने यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपका कलर ऑप्शन आ जाएगा, इसमें आपने ब्लैक करना है एंड ओके करना है। तो यहाँ लेयर में हमने अल्ट्रा डिलीट, तो हमारा जो लेयर है ब्लैक कलर की बन गई है। बैकग्राउंड को हमें बात करना है, सिंपली वे है। अभी हमने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। सेव हमें पीएनजी में सेव करना है। पीएनजी में कुछ भी डेस्कटॉप पे कर देता हूँ, ABC। ठीक है, सेव करता हूँ। और उसके बाद ये आपसे मांगेगा कि आपने फाइल कौन सी, तो आपने लार्ज में करना है, ओके कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसे आप बंद कर दीजिए, नो
देन उसके बाद आप ओपन कीजिए डेस्कटॉप में अपनी फाइल को, देखिए आई थिंक ये एबीसी के नाम से है, ओपन कीजिए। अभी सिंपल क्या है, ये आपका ब्लैंक है सब कुछ, आपने जहाँ जहाँ से वाइट क्लिक किया, हमने ये टूल लिया सिंपल, सेंटर में क्लिक किया तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। देन उसके बाद हमें सेलेक्ट में जाना है, इनवर्स जाना है, देन उसके बाद हमें यहाँ जो ये निशान नज़र आ रहा है फर्स्ट टाइम, इस पर क्लिक करना है तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट बन गया। बट ये करना कब है, सिर्फ फर्स्ट बार, मतलब आपने पहली बार जिस PNG या JPG फाइल को PNG बनानी है तो ये फर्स्ट बार करना है। सेकेंड टाइम आपने मान लीजिए यहाँ से भी आपने इसे ब्लैंक करना है तो क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट कीजिए, इसे सेलेक्ट कीजिए और इस यहाँ जगह को सेलेक्ट कीजिए एंड सिंपली डिलीट कीजिए। सिंपल डिलीट करेंगे तो आप यहाँ से करेंगे तो आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं, आपने ये दोबारा बार बार नहीं करना। डैश, ठीक है। अब आपने जो भी चाहो, आप इस लाइन्स में भी ग्राफिक चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी प्ले कर सकते हो, और अगर आप नहीं चलाना चाहते तो मत कीजिए, यहाँ ग्राफिक्स प्ले करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो, और यहाँ तो ब्लैंक ही रहेगा। यहाँ इस लाइन्स के बीच में भी अगर विजुअल्स प्ले करना चाहते हो तो कर सकते हो, सिंपली करना क्या है, आपने जूम किया, जूम करने के बाद आपने ये जगह सेलेक्ट की, ठीक है, डिलीट किया, जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो इसमें आपके विजुअल्स चल जाएंगे। मैं इसको अंडो करता हूँ और इस तरह से आप किसी भी फाइल को या किसी भी, मतलब आपको कोई भी साइज लगा है या कोई भी साइज है उसके अकॉर्डिंग आप लोग ये सेटअप बना सकते हो। और इसके बाद आपने जैसे जब मैंने आपको ये सेटअप बना रहा था तब उस समय आप लोग यहाँ से हम लोग ये टूल लेते हैं तो यहाँ से हम लोग कलर भी इसके चेंज कर सकते हैं, हम लोग जो कलर चाहें कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे हमें रेड चाहिए और अगर हमें डबल शेड में चाहिए जैसे तो हम लोग डबल शेड में भी ये बना सकते हैं, कलर यहाँ से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ कोई कौन सा कलर चाहिए हमें, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से वो कर सकते हैं कि हमें कस्टम करना है क्या करना है। तो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए यार, और आपके भाई का भी कुछ फ़ायदा होगा, आपको नए से नए कॉन्टैक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रहे हैं, तो प्लीज़ यार शेयर करने में सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए यार, और थैंक यू, मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, ओके।